80 किलोमीटर मार्ग शेष है। सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे, काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे। ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई। लीजिए, चल लीजिए। कृष्ण कांत जी, आप बैठिए, ये ट्रे यहां रखो, जल हम खुद लेंगे। कृष्ण कांत जी, हम यहां मेहमान बनकर नहीं आए हैं। लो बेटा, जल पियो। जब सर्दी हो तो बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए। आइए। वाह वाह, क्या बात है। आइए खाना। वाह। अरे आ बेटा, आओ जी। आ बेटा। अरे अरे छोटे संदी जी, आप तो आइए। वाह दादाजी, छोटे छोटे डाइनिंग टेबल। अरे
और आपके लिए वो छोटा स्पेशल डाइनिंग टेबल। आइए आइए बैठिए। लाओ भाई लाओ स्पेशल थाली। लाइए चाची जी। पापा खाना बनाने में तो चाची जी का जवाब ही नहीं है। यूं छौंका लगाए यूं मसाला डाला बिल्कुल न पतुला हाथ। मैं तो देखती रह गई। भाभी जी ही इज ए लकी मैन। अरे सुनील बाबू आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। जी ले रहा हूँ चाचा जी। भाभी लगता है भैया अपना इवनिंग न्यूज़पेपर मिस कर रहे हैं। पापा आज कड़ी पूनम ने बनाई है। अच्छा तब तो हम एक कटोरी और पियेंगे। अंकल जी आपका ख्याल रखे जीजी ने तीखा कम डाला है वरना हमारी जीजी खाना बड़ा चटपटा बनाती है। गुड गुड। नो थैंक्स। पूनम मैंने किशन कांजी से कह दिया है कि आगे की पढ़ाई तुम दिल्ली में पूरी करोगी। उसके बाद चाहो तो ऑफिस अटेंड कर सकती हो। राहुल के होने तक भावना रोज ऑफिस आया करती थी। मेरा मानना है कि गर्ल्स प्रूव बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स। पापा हाँ क्या किशन कांजी मैंने सुना आप लोग रात को यहां हमारे साथ नहीं रह रहे। नहीं नहीं वो हम बगल वाले क्वार्टर्स में ही होंगे। आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा हम लोग यहाँ के तीन बड़े बड़े कमरों में आराम से रह सके इसलिए चाचा जी ऐसा कर रहे हैं। नहीं 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 जी। चलिए भाई जल्दी से गद्दे बिछाइए। रिशन जी आप। दादाजी मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ तुम बिल्कुल यही सोओगे। अरे बेटा और गद्दे लेकर आओ चलो। जी पापा। देखिए आप। अरे राहुल इनको जरा नीचे बिठाओ तुम। नहीं नहीं आप एक बात करिए। अरे बेटा भाई मेरी बात सुनिए। जेंट्स यहाँ सोएंगे और लेडीज इस वाले कमरे में। प्रेम बेटा मेरा बिस्तर इनके साथ लगाओ इनको मुझे रात भर लेक्चर देना है। बैठिए। लाइट भी गई। आप फिर खड़े हो गए। बैठिए कृष्ण कांत जी। जी हर सुबह तांबे की लोटे का जल पीते हैं बड़ा फायदेमंद होता है। और ये किताब चाची जी की होगी। थैंक यू। किस लिए? क्या तुम्हारे चाचा चाची मेरे चाचा चाची नहीं? भाभी जी सुबह की सैर का कोई जवाब नहीं। कम मेहनत और ज्यादा फायदा ठीक वैसे जैसे कम पूंजी में बड़ा व्यापार करना। देखिएगा आपके घुटनों का दर्द फुर। बॉयज फास्टर प्लीज। क्या हुआ? आप चलिए ना मैं आता हूं। दो मिनट में आएगा देखा। भाभी वो मुलाकात का क्या? करवाते हैं करवाते हैं। जाओ तब तक
स्वास्थ्य बना। जी वो पास में सब्जी मंडी है ना, अच्छा इसलिए ये मार्केट जल्दी खुल जाती है। वो कृष्णकांत जी आसपास कहीं गरम गरम जलेबियां बन रही हैं। दो जलेबी का नाश्ता करेंगे। ये लीजिए जी गरमा गरम जलेबी। आप तो बैठिए। बस मैं आया था मेरे को। ये दूध भी लीजिए। अरे आप फिर खातिर में लग के बैठिए ना। बढ़िया है जी बढ़िया है, लीजिए ना। भाभी भैया को बोलिए पापा को पढ़ाने के लिए। भावना को लीजिए ना। भाभी जी को प्यार से अपने हाथ से खिलाइए। डैड। हाँ बोलो बेटा। आगे का प्लान क्या? अंगूर के बाग देखेंगे। बच्चों तुमने अगर यहाँ आकर अंगूर के बाग नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा। हाँ तो मैं कह रहा था डैड। हाँ बोलो। राहुल का झील देखने का बहुत मन था। झील क्या होती है? तो हम सब हुए? राहुल का मन है तो हुआ। चाची जी वो पूनम और छोटी को साथ ले जाए।